नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आज के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बैंकिंग एविएशन के साथ हाजिर हूं। मैं आज आपको बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंकिंग एविएशन बताने वाला हूं, जो आने वाले संभावित बैंकिंग एग्जामों या नेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एब्रिविएशन। आप इसमें देख सकते हैं कि पहला एब्रिविएशन AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये सभी कंपनियां इस रूल को फॉलो करते हुए अपना एसेट्स का मैनेजमेंट करती हैं। ITR, इनकम टैक्स रिफंड। ये सभी को भली भांति जानकारी हो सकती है, जो खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट हों। BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO लाके कंपनियां अपने कंपनियों का विस्तार करती है। नेक्स्ट है ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक ऐसी संगठन है जो लोकतांत्रिक सुधारों को के लिए काम करती है। नेक्स्ट ASBBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एब्रिविएशन है। नेक्स्ट है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। नेक्स्ट है CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है CBS, जो सभी बैंकों में लागू किया गया है। CPG, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स। नेक्स्ट CRD, कॉरपोरेट डेप्ट रिकंस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये था दोस्तों मेरे इस सीरीज का 5वां दिन। लगातार मैं हर दिन लगातार 10-10 इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और फायदेमंद आपके आने वाले एग्जामों के लिए हो सकता है। सो दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ भारत के संगठनों या सिक्योरिटी एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि इस प्रकार है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये जितने भी कंपनियाज हैं उसका ये देख रेख करती हैं, और जितने भी शेयर से जुड़े समस्याएं होती हैं उसकी देख रेख सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। LIC, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये लास्ट और अंतिम एब्रिविएशन था। सो दोस्तों, इसके विदाई लेने से पहले मैं कुछ दो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ बताता हूँ प्रत्येक वीडियो में। इस बार भी मैं और आज भी मैं बताने वाला हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, पहला इम्पोर्टेंट बात यह है कि PM केयर फंड्स। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि PM केयर फंड्स है क्या। यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया एक फंड है, जिसका फुल फॉर्म होता है PM केयर फंड्स। PM यानी प्राइम मिनिस्टर, केयर फंड्स। केयर फंड्स मीन्स क्या होता है? सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। फिर से मैं तो आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड्स। ये PM केयर का विस्तार रूप है। और एक अंतिम जो बात है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मैं नया सीरीज शुरू मैंने किया है, जो मैं अंतिम में ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट आपको हर दिन हर वीडियो के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। ये दूसरा शब्द है, अभी भी पूरा देश में देखा जा रहा है कि कोविड आउटब्रेक या एपिडेमिक जो भयानक रूप लेते जा रही है, और लगातार लोग इसे बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जितने भी स्वास्थ्य महकमा है या कर्मी है उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर मारपीट किया जा रहा है। सरकार ने कल ही एक नया बिल पास किया है, जिसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट करने पर 3 महीने से 7 साल का सजा हो सकती है, या फिर 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अंदर ये एक्ट के तहत ये बिल पास किया गया है, जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये राष्ट्रीय महामारी अधिनियम एक्ट,
जो कि काफी पुराना था 1897 का, उसको अमेंडमेंट करके संशोधन करके 2005 में इसको लागू किया गया है। इसके अंतर्गत धारा आईपीसी की धारा 269 और 270 में के तहत इसको सजा और का प्रावधान किया गया है। सो थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस, एंड प्लीज अगेन सब्सक्राइब। थैंक यू।